अरे रुको रुको रुको, एक तो यार आजकल यार ये सीन है कि पबजी के अलावा कोई भी गेम खेल रहा हो तो वो गेम की ना स्क्रीन देख के लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। तो यार ये वीडियो गेम प्ले वाली वीडियो नहीं है, कुछ अनाउंसमेंट टाइप वीडियो है, तो यार पूरी सुन के जाओ। सो गाइस, एज यू नो कि अभी रिसेंटली पबजी बैन हो गई है एंड सर्वर्स को भी बैन कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम ग्लोबल वर्जन को एक्सेस नहीं कर सकते। बट आफ्टर दैट आई गेस मोस्टली बंदे ये सोचते हैं कि भाई चलो दूसरी गेम्स को ट्राई देते हैं एंड इन्जॉय करते हैं थोड़ा, ठीक है। बट वट हैपन्ड कि अभी सभी पबजी के आर पे शिफ्ट हो गए। सो गाइस, इफ़ यू बेसिकली नो कि हमारा जो इंडिया का गेमिंग कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म है, जो हमारी मोबाइल गेमिंग का प्लेटफॉर्म है, वो अभी पी सी गेमिंग से ज़्यादा बड़ा है, यू नो, है ना। ज़्यादा इस पर पब्लिक है, ज़्यादा पब्लिक देखती है, ज़्यादा पब्लिक वीडियोज़ को देखती है, मतलब सपोर्ट ज़्यादा आता है मोबाइल गेमिंग पर, ठीक है। बट यू नो कि ये सब सिर्फ एक ही गेम पर बेस्ड है, पबजी मोबाइल। एंड बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई दूसरी गेम ट्राई करना ही क्यों है, एक ही तो महीना है, एक महीना हम केआर खेल लेते हैं। तो भाई एक महीना छोटा टाइम नहीं है भाई, 30 दिन है। एंड भाई मेन मेरा ये यहाँ पे बोलने का ये पॉइंट है, देखो आगे जाके वी डोंट नो, देखो पबजी को तो बहुत टाइम हो गया, ठीक है। इधर तो आई गेस कुछ कुछ प्लेयर्स ऐसे होंगे जो कि ये गेम से बोर हो गए होंगे एंड दे वॉन्ट टू स्टार्ट यूट्यूब, बट वो बोर हो चुके हैं, उनका मन नहीं है गेम खेलने का, लेकिन यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए वो स्टिल वही गेम खेल रहे हैं क्योंकि बंदे देखते हुए हैं। सो कुछ मतलब कुछ चैनल्स ऐसे भी हैं जो कि मेरी जिनसे बात हुई कि वो ये गेम खेलना नहीं चाहते एंड दे हैव टू प्ले क्योंकि ऑडियंस कुछ और देखती नहीं है। सो भाई मेरे हिसाब से ना सिर्फ एक गेम पे हमारा पूरा ये गेमिंग प्लेटफॉर्म नहीं चलना चाहिए। सो यार ये जो एक महीना है ना, उसमें मैंने काफ़ी क्रिएटर्स को अप्रोच किया एंड हम सब ने एक प्लान किया है कि हम एक वीक देंगे कॉल ऑफ ड्यूटी को, पूरा एक वीक, जिसमें 4 वीडियोज़ आएंगी। 4 वीडियोज़ में हम पूरा पूरा बताएंगे कैसे आपको खेलना है, मोंटाजेस भी रहेंगे जिसमें गेम प्लेज भी रहेंगे और हाईली गेम प्लेज रहेंगे। वी आर पुशिंग लेजेंडरी इन दिस। सो अगर हमें अच्छा सपोर्ट आया तो हम ये गेम कंटिन्यू करेंगे। एंड गाइस मेन मेरा पॉइंट ये है कि आगे चल के अगर, अभी देखो ये गेम बैंड है, सर्वर डाउन है, हम पे एक महीने का टाइम है, ठीक है। कुछ बंदे ऐसे रहेंगे जो दूसरी गेम को अभी ट्राई कर ले ये सोच के चलो बैंड है, ट्राई देने में क्या जाता है। लेकिन आगे जाके जब पबजी वर्किंग में आ जाएगा तो भाई ऐसा चांस कभी दोबारा नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई चांस हमारी लाइफ में दोबारा आएगा नहीं कि हम दूसरी गेम को कोई चांस दे पाए। एंड सीओडी इज़ नॉट अ बैड गेम। तो भाई मेरे हिसाब से आपको इस गेम को एक चांस देना चाहिए। एंड मोस्टली यार बंदे ये बोलते हैं कि भाई सीओडी खेलने में मज़ा नहीं आता, बहुत ही अलग सा गेम है, पबजी जैसा नहीं है। तो भाई मेरे को इतना बताओ, तुम एक क्रिकेट प्लेयर हो और तुमने फुटबॉल कभी नहीं खेला, तुम जाके फुटबॉल खेलोगे तुमको खेलना नहीं आएगा, तुमको समझ नहीं आएगा, तुमको कैसे मज़ा आएगा उस चीज़ में। समझ रहे हो ना मेरी बात, पॉइंट समझ रहे हो मेरी बात का। तो ये गेम को ना स्टार्ट में इसका मैकेनिज़म समझो, हर गेम का अपना डिफरेंट एंड यूनिक मैकेनिज़म होता है। इस गेम को एटलीस्ट एक दिन दो एंड आई कैन गारंटी आप इसको पूरा इन्जॉय करोगे। सो एक और पॉइंट है, अभी हम उस पर मूव ऑन करते हैं। सो गाइस पहले मैं आपको ये बता दूँ, कुछ बंदे सीओडी हमें पहले मूव इसलिए किए थे क्योंकि उनको बैटल रॉयल खेलना था। तो भाई बैटल रॉयल उनको इतना पसंद नहीं है एंड ऑनेस्टली मैं भी बताऊँ, इसका बैटल रॉयल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इट्स ओके बट नॉट एट द लेवल ऑफ पबजी मोबाइल, बिकॉज इसका मेन हाईलाइट बैटल रॉयल है ही नहीं। इसका मेन हाईलाइट है मल्टीप्लेयर, एंड मल्टीप्लेयर भाई सोच के इसमें होती है 5v5 फाइट्स। तो वो देखे कई कई बंदे ऐसे ही बिना खेले अजम्पशंस मान लेते कि भाई ये तो टीडीएम जैसा होगा, 40-40 किल करना है। तो भाई वो बहुत बेसिक सा मोड है जो पबजी में है टीडीएम, वो भी इसी का है, बट उसमें इतना मज़ा नहीं आता। इसमें जो आपने अगर वैलोरेंट की या फिर CS:GO ऐसी कुछ PC गेम्स की स्ट्रीम देखी होगी ना, तो आपको पता होगा कि सर्च एंड डिस्ट्रॉय और डोमिनेशंस एंड और हार्ड पॉइंट एंड बहुत सारे ऐसे मोड रहते हैं जो कि अपना COD में वैलोरेंट में रहते हैं, जो कि खेलने में बहुत मज़ा आता है एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज लगती हैं। तो ऐसे मतलब बहुत से ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो पबजी में फाइट अप्रोच नहीं कर पाते। तो ये देख के ना, ये थोड़ी गेम तुम ये एक महीना खेलोगे ना और उसके बाद जब तुम पबजी में मूव ऑन करोगे तो फाइट्स को कैसे अप्रोच करना है, यूटिलिटीज़ को कैसे यूज़ करना है, वो आपको यूज़ करना बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। इसकी भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की। तो एंड मैंने जब ये गेम स्टार्ट की तो मैंने गलती की थी, मैंने मल्टीप्लेयर मैचेस खेले थे, रैंक्ड नहीं खेला था। तो आपने रैंक्ड मैचेस खेलने हैं, रैंक में क्या होगा, आपका जब रैंक बढ़ता जाएगा तो अच्छे प्लेयर्स आते रहेंगे। मल्टीप्लेयर सिंपल मैचेस में आपको बहुत ज़्यादा मोस्टली बॉट्स मिलेंगे इन द स्टार्ट, कुछ प्लेयर्स मिलेंगे रियल प्लेयर्स बट वो नूब्स रहते हैं क्योंकि इसका मेन हाईलाइट है रैंक्ड मैच। जैसे आप पबजी में ऐसा कर लो,
ऐसे मैं आपको एग्जांपल दे, पबजी में क्लासिक खेल रहे हो लेकिन आपका लीक कभी नहीं बढ़ रहा है, तो क्या आएंगे? नूब्स, बॉट्स, है ना? तो फिर इसीलिए इसका मल्टीप्लेयर आप सिंपल मैचेस मत खेलना, रैंक्ड मैचेस खेलना, एंड वो खेल के यार जो मज़ा आता है ना, एंड जो स्ट्रेटजीज एंड कोऑर्डिनेट आपको करना पड़ता है वो अलग ही लेवल का है। अगर आप वैलोरेंट या सीओसगो की स्ट्रीम्स देखे हो तो आपको समझ आ गया होगा मैं किस मज़े की बात कर रहा हूँ। एंड गाइस, आई गेस ये होगा मेरी वीडियो का एंड। एंड गाइस, मैं आपको सिर्फ यही बात बोलना चाहूँगा, मैं नहीं बोलूँगा आपको यार आके हमारी वीडियोस को सपोर्ट करो, बहुत से हम काफ़ी 6-7 क्रिएटर हैं जो कि अभी COD की वीडियोस डालेंगे। मैंने बहुत क्रिएटर्स को अप्रोच किया था, सिर्फ 6-7 को नहीं गया था, लेकिन उनमें से मोस्टली उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम ये चीज़ हम ये रिस्क नहीं लेंगे, दे विल प्ले पबजी के यार, सो इट्स ओके। अभी हम जितने भी हैं हम अपना बेस्ट ट्राई देंगे एक हफ्ते में। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ इंडिया में कुछ चेंज आए थोड़ा गेमिंग कम्युनिटी में, एक गेम पे बेस्ड अपनी कम्युनिटी ना रहे, दूसरी गेम्स भी खेल सकें, तो भाई हो सके तो सपोर्ट करना। नहीं मन करा तो कोई नहीं, आप पबजी के यार खेल सकते हो, मेरे को उससे कोई इशू नहीं है। एंड दैट वाज इट फॉर माय टुडेज़ वीडियो। मेरे को आगे जो मेरी वीडियोज़ आएंगी पबजी COD पे, वो सारी आपको इस चैनल पे मिलेंगी, 4 लगातार वीडियोज़ आएंगे। एंड अगर आपको सेंसिटिविटी बनानी है COD की, यार उसका वीडियो मैं बहुत पहले बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं ना कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ताकि आपको गेम स्टार्ट करके थोड़ी इजी होगी, क्योंकि सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी होती है ना। एंड गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप आप मेरा मैसेज ध्यान से समझ गए होंगे अभी तक, एंड आई विल सी यू ऑल लेटर।